और इसी बीच बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। आज सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की बड़ी बैठक होनी है। सरकार ने कृषि कानूनों पर अस्थायी रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। कल सरकार के साथ किसानों के फिर से बैठक होगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या है। किसान आज बड़ी बैठक करने वाले हैं और उस बैठक में तमाम रणनीति बनाई जाएगी 26 जनवरी को लेकर, कल होने वाली मीटिंग को लेकर। देखिए, सरकार की कोशिश होगी कि कल कोई समाधान निकले। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अब हमें उम्मीद है कि एक कदम हम आगे बढ़े हैं, एक कदम किसान आगे बढ़ेंगे और पूरा मामला सुलझा लिया जाएगा। वहीं सरकार का किसान प्रस्ताव मानते या नहीं, ये लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है। देखिए, कानून होल्ड करने का ऑफर सरकार की ओर से दिया गया है। किसानों का मंथन अभी हालांकि इस पर होना है और 22 जनवरी यानी कि कल फिर से 12वें दौर की बातचीत होनी है, जिसपे ये तय हो जाएगा कि क्या किसान इस बात पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या किसान इस बात पर राजी हैं सरकार ने जो उन्हें ऑफर दिया है। सरकार का प्रपोजल क्या है वो भी आपको बताते हैं। सरकार ने कहा है कि 1.5 साल तक कानून हम होल्ड कर देंगे और इसी बीच एमएसपी पर एक नई कमेटी भी बनाई जाएगी। कोर्ट में सरकार का हलफनामा भी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि ये मामला सरकार और किसानों को ही निपटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक कमेटी गठित की गई। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया कि हम उस कमेटी के सामने हाजिर नहीं होंगे, हम उनके साथ मीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो कमेटी में मेंबर्स शामिल किए गए हैं वो कृषि कानूनों के पक्षधर रहे हैं। हालांकि कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की है कि आपका ये मसला है, आप अगर कमेटी के सामने नहीं पेश होना चाहते हैं तो ना हो, लेकिन किसी पर सवाल ना उठाएं। उधर पंजाब से किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के लिए चल पड़े हैं। दिल्ली के लिए पंजाब के किसानों का कूच शुरू हो गया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली के लिए किसानों का कूच हुआ है। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है और इसे लेकर डेली रिहर्सल की जा रही है। किसानों की फुल तैयारी, इसके लिए बकायदा रोड मैप बना लिया गया है और किसानों की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस सभी का है, हमें पूरा अधिकार है। देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे पंजाब और चंडीगढ़ से भारी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली निकलकर दिल्ली कूच कर रही है और वहां से भारी तादाद में ट्रैक्टर आ रहे हैं दिल्ली के लिए। और चलिए, मेरे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ललित मोहन चिल्ला बॉर्डर से, जबकि जतिन गोस्वामी मेरे साथ जुड़े गाजीपुर बॉर्डर से। दोनों से अपडेट लेंगे इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं जतिन आपके पास आना चाहूंगी, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर क्या चल रहा है, चूंकि आज दिल्ली पुलिस और किसानों की फिर से बैठक है। किसान परेड पर अड़े हुए हैं, उनका कहना है कि हम ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, लेकिन पुलिस कह रही है कि सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। किसानों का रुख क्या होगा, साथ ही 12 बजे जो मीटिंग होगी कि जो सरकार की ओर से किसानों को प्रपोजल दिया गया है वो किसान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं, जतिन समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि हमारी राकेश जी कैसे बात हुई, उनका कहना है कि जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तीनों कृषि कानून वापस होंगे और एमएसपी पर क्योंकि सरकार की तरफ से कोई बात नहीं की गई है तो इससे किसान नाराज हैं। जब हमने उनसे पूछा कि एक कदम क्या आगे बढ़ा है मामला, तो वो कह रहे हैं कि भले ही सरकार एक कदम आगे बढ़ी हो लेकिन बात तो नहीं बनेगी। मैं जो आप ट्रैक्टर की बात कर रहे थे, एक बार पहले तस्वीर आपको दिखा दूं, यहां पर देखिए ट्रैक्टर्स की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। ये यूपी गेट का नजारा है, आप जहां तक नजर जाएगी आपको ट्रॉली ही यहां पर नजर आएंगे। और जो किसान नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, सीधे तौर पर उनसे बात भी करेंगे। ये बताइए, आपको लगता है कि सरकार का रुख नर्म पड़ा है, या फिर सीधे दूसरे शब्दों में पूछूं तो क्या किसानों का दबाव सरकार पर पड़ता हुआ दिख रहा है, एक कदम बात आगे बढ़ी है? पक्का पक्का दबाव पड़ा है, बिल्कुल पक्का पड़ा है। और अभी ये जो 1.5 साल के लिए इन्होंने कहा है, आज हमारी 40 किसानों की संगठन जो हमारे बैठक है उसमें क्या ऐसा लगता है कि बात बन पाएगी, अब ये आंदोलन खत्म होने की तरफ है क्या? नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि एमएसपी पे अभी उन्होंने बात नहीं करी। एमएसपी पे वो बात कर ले कानून बनाने की, इसको 1.5 साल के बाद उस पर भी विचार करेंगे। और इनको कल जो 22 तारीख है, इनको नर्म निवेदन है कि ये एमएसपी पे कानून बना के इसको 1.5-2 साल जो भी करना चाहते हैं, शायद हमारे जो अधिकारी 40 तो कल बात अभी बनती हुई नहीं दिख रही है? नहीं, अभी नहीं बन रही। क्या कल बात बन रही है? नहीं, मुझे तो लगता नहीं। ये सरकार अपने आड़े रुख पर अड़ रही है कि किसी कानून में संशोधन करे जा, लेकिन एक कदम क्या आगे बढ़ा है मामला, ये कहेंगे कि पहली जीत तो कहीं ना कहीं जीत की तरफ बढ़ रहे हैं किसान, ऐसा कहें? किसान जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन आंदोलन खत्म कब? आंदोलन खत्म जब तक कानून वापस नहीं होगा नहीं होगा।
18 महीने की बात पर आप लोग तैयार नहीं होंगे एमएसपी सारे अनाजों की एमएसपी जब तक नहीं दी जाएगी तब तक नहीं खत्म होता है। ये किसानों को जरा ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बीच का रास्ता निकालिए। देखिए कृषि कानून वापस लेना संभव नहीं है, कोई बीच का रास्ता निकालिए, तो क्या किसान किसी बीच के रास्ते में चलने के लिए तैयार है? देखिए ये सीधे पूछ लेते हैं, ये बताइए, देखिए कृषि मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि बीच का रास्ता हो सकता है इसमें, किसान ही तो निकालेंगे बीच का रास्ता, तो क्या कोई बीच का रास्ता है आप निकालने को कुछ तैयार हैं? सरकार निकालेगी, हम तो तैयार हैं, हम तो हर बार वार्ता करते हैं। देखिए आप यस और नो पर बात करते हैं, तो क्या यस और नो के अलावा कोई बीच का रास्ता? नो पे ही तो कह रहे हैं कि ये एमएसपी पे कानून बना ले और 1.5-2 साल के लिए हमारे संगठन जो आज मीटिंग करेंगे उस पे हो जाएगी चर्चा। आप 1.5-2 साल पर तैयार हो सकते हैं ये कह रहे हैं? हाँ, यदि एमएसपी पे कानून बनाए। देखिए बीच का रास्ता वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून के रूप में गारंटी मिले, जो आज मीटिंग होनी है हालांकि तय तो उसमें होगा, लेकिन जतिन ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा, सरकार की ओर से ये भी कहा जाता रहा है कि एमएसपी पर हम लिखित रूप से आश्वासन देने के लिए तैयार हैं, उसे लेकर घबराए नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जी देखिए सीधे पूछ लेते हैं, देखिए सरकार आप कह रहे हैं एमएसपी पे बात नहीं हुई, लेकिन सरकार ये कह रही है कि लिखित गारंटी देने को तैयार है, तो उस पर बात नहीं बनेगी क्या? हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं संगठन के, उनका निर्णय पूरे यूनियन का निर्णय होगा, चाहे किसी भी संगठन से हो। एमएसपी पर लिखित गारंटी में क्या बात बनेगी? लिखित पक्का नहीं, कानून पे लिखित पर बात नहीं बनेगी। नहीं नहीं, वो तो एक बात बताओ, जो एमएसपी चल रही है वो केवल सरकार 6% खरीदती है, हम कह रहे जो उद्योगपति को इन्होंने इतना बड़ा भंडारण का ठेका दे दिया जमाखोरी का, जिसमें ये चोर बाजारी करेंगे, वो एमएसपी पे हमारी 80% फसलें भले ही सरकार 6% खरीदे, उसमें ये भी हम कह रहे हैं लिख दो, और बाकी का जो खरीदे ये जो पूंजीपति है उस पर कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, वो एमएसपी पे खरीदे, ये हमारा कहना है। तो देखिए जो एनालिसिस है वो ये साफ तौर पर है कि वो कानून के रूप में गारंटी चाहते हैं, लिखित पर वो तैयार नहीं है एमएसपी पर। जी बिल्कुल जतिन, आप बने रहिएगा, आगे भी आपके पास आऊंगी। चिल्ला से हमारे साथ लगातार ललित मोहन जुड़े हुए हैं। ललित जरा ये बताइए, हालांकि अभी हमने गाजीपुर के किसानों को सुना, वो कह रहे हैं जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता है हम मानने के लिए तैयार नहीं है, हाँ लेकिन 1-1.5-2 साल होल्ड करने की बात पर हम तैयार हो सकते हैं। चिल्ला बॉर्डर पर आप जरा किसानों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि जो दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बैठक होनी है वो कितने बजे शुरू होगी, और जो आज किसानों की बड़ी बैठक होनी है इस बात पर मंथन होना है कि कल की मीटिंग में क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी है, क्या रोड मैप होगा, कब तक शुरू होगी ये बैठक? देखिए प्रिया बिल्कुल सही, और जो मेरे सहयोगी हैं गाजीपुर पे जतिन, उन्होंने जो बताया जिस तरीके से गाजीपुर के किसानों का एक सुर में कहना है कि जब तक कानूनों की वापसी नहीं होगी, तीनों कानूनों की जिसको किसान काला बिल कहते हैं और काला कानून बताते हैं, उसकी जब तक वापसी नहीं होगी तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। हालांकि हम यहाँ बराबर निगाह बनाए हुए हैं और किसानों से भी बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी किसान यहाँ हाथों में लाठी डंडे लेके यहाँ बैठे हुए हैं। उनका भी ये सीधा कहना है कि सरकार भले ही इस बात को कहती हो कि हमने 1.5-2 साल के लिए इसे होल्ड में डाल दिया है, लेकिन कहाँ और कैसे बात बनेगी, कहीं ना कहीं किसानों का प्रस्ताव भी सरकार ने माना है कल बैठक होने वाली है, और इस प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर इस समय भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो है यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अब 1.5-2 साल के बीच सरकार इसको होल्ड पे डाल रही है, ठीक है, जो कानून है, क्या अब कहीं बात बनती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए? उन्होंने मांगा है किसानों से भी प्रस्ताव। ना अब एक ही थोड़ी है जो होल्ड पे डाल रही है, दूसरी बार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कर रहे हैं, मोदी जी करते थे 2014 में, उसको लागू कर दें, उसको गारंटी दे दें, देखेंगे इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा, गारंटी कानून बना दें, मान जाएगा किसान, 1-2 साल के लिए होल्ड करें, उसके बाद बैठ के बात करके और वो करें। ये तो सरकार भी कह रही है करना पड़ेगा, ये तो ये नहीं चलेगा, वापस करना पड़ेगा, 2 साल के लिए करें, सबके लिए करें, करना अगर वापसी की बात नहीं बनेगी ना कैसे बन जाएगी, जो गलत तो है। ललित इनसे जरा तो बातचीत कीजिए, तो पूछे कि सरकार तो होल्ड करने के लिए तैयार है ना, सरकार खुद भी कह रही है कि हम 1.5-2 साल तक कानून को होल्ड कर देंगे, लेकिन बीच का रास्ता किसानों को अब निकालना है, क्या किसान इस बात से सहमत है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अभी स्टे लगेगा कानून पर, किसानों ने कहा इस बात की क्या गारंटी कि आगे कानून लागू नहीं होगा,
सरकार कह रही है कि 2 साल 1.5 साल के लिए हम होल्ड कर देते हैं कानून, एक कमेटी नई गठित की जाएगी जो पूरे मसले पर निगरानी करेगी, पूरे मसले पर बातचीत होगी, इसके लिए क्या किसान राजी हैं? जी बिल्कुल, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब सरकार ये कह रही है कि हम 1.5 से 2 साल तक इस कानून को होल्ड पे डाल देते हैं, दूसरी चीज सरकार ने यह भी कहा है कि जो हमारी कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है जो कमेटी है वो बराबर बातचीत करेगी। कौन सी कमेटी? ठीक है, जो किसानों के बीच का एक सेतु, अगर ये कहे सरकार और किसान के बीच की रिपोर्ट जो सरकार को सौंपेगी किसानों की, वो जो प्रस्ताव बनाई है उसको न मानने के लिए तैयार नहीं है किसान। लेकिन सरकार कह रही है ना कि एक नई कमेटी भी गठित करेंगे। ललित ये भी पूछेगा, सरकार कह रही है ना कि नई कमेटी गठित कर लेते हैं। अरे नई कमेटी गठित कर ले, वो जो किसान रखे जो लोग जो है आंदोलन, सरकार ये कह रही है हम नई कमेटी गठित कर देंगे, हम इसको होल्ड पे डाल देंगे 2 साल के लिए। किसान जो कहता है अपना किसान प्रस्ताव दे, ऐसे में क्या लग रहा है आपको प्रस्ताव, किस तरीके के प्रस्ताव देना चाह रहे हैं सरकार को और कैसे आंदोलन खत्म? हम बता रहे हैं किसान आयोग का गठन कर दें, कमेटी पमेटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसान आयोग का गठन कर दें, किसानों ही उसमें रखे जाएंगे, किसान नहीं अध्यक्ष होगा और किसान नहीं सदस्य होंगे, हैं वो अपना बता देंगे कि हमारी ये लागत आ रही है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1.5 गुना मूल दे दें और उसकी गारंटी कानून बना दें, इसे नीचे नहीं खरीदा जाएगा। ललित और जतिन आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी मैं आपके पास आऊंगी। इसी बीच अकाली दल के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि सरकार एक ओर किसानों से बात कर रही है तो दूसरी तरफ किसानों को एनआईए का नोटिस भी थमाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, यूपी पुलिस किसानों को 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की धमकियां दे रही है और ये सब इसीलिए ताकि यूपी के किसान इस आंदोलन में हिस्सा न लें। सुनाते आपको। चाहता हूं इस तरह, एक तरफ सरकार कह रही बातचीत करेंगे, एक तरफ ये काम किया जा रहा है। ये सीतापुर के नोटिस हैं, ये लगातार मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ, एक के बाद एक नोटिस किसानों को दिए जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि अगर तुम 26 तारीख को वहां जाने की बात की तो 5-5 लाख रुपए की जुमानत कहा जा रहा है, आप अपनी कराओ। एक ही गांव के अंदर 50-50 लोगों को नोटिस दे दिया गया है और यूपी पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो सरकार का क्या ये बातचीत करने का तरीका कि एक तरफ आप एनआईए के नोटिस भेजोगे, दूसरी तरफ यूपी पुलिस नोटिस भेजेगी, फिर कहोगे हम बातचीत करते हैं? कैसे बातचीत आप करोगे? ये किसानों को डराना धमकाना बंद करो। और एनआईए के जो नोटिस आ रहे हैं लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों पर, यदि आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं ऐसे अलग अलग, देखिए हम किसी भी उस संगठन के पक्षधार नहीं हैं, उसके हक में नहीं हैं जो किसी भी तरीके की वायलेंस में बिलीव करता हो, जो देश तोड़ने की बात करता हो, लेकिन जो लोग मानवता की सेवा में लंगर छकाते हैं, अगर आप उनको एनआईए का नोटिस दोगे तो मुझे लगता है कि लोग स्पष्ट कह रहे हैं ना, फिर आप एनआईए को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो बड़ा स्पष्ट है। फिर एनआईए का काम देश की आतंकी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करना है, ना कि लंगर छकाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काम करना। वही किसानों को सरकारी प्रस्ताव क्या दिया गया है वो भी आपको बता देते हैं। 1.5 साल तक स्थगित किया जा सकता है कानून, ये कहा गया है, और इस दौरान कमेटी बनाकर आपत्तियों पर चर्चा होगी। सरकार की ओर से प्रपोजल दिया गया, कमेटी का जो भी सुझाव होगा उसे लागू किया जाएगा। और आज किसान संगठन सरकारी प्रस्ताव पर मंथन करेंगे, एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। कमेटी का जो सुझाव होगा उसे लागू किया जाएगा। आज किसान संगठन सरकारी प्रस्ताव पर मंथन करेंगे, रणनीति बनाएंगे। कल सरकार और किसानों के बीच 12वें दौर की भी बातचीत होनी है और अब आज इसे लेकर मंथन भी किसान करने वाले हैं। सिंघु बॉर्डर से मेरे एक और सहयोगी ऐश्वर्य जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, यहां पर सबसे पहले मैं बात सुरक्षा की कर लेती हूं। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है हम ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं दे सकते, चूंकि 26 जनवरी का टाइम बेहद सेंसिटिव होता है सुरक्षा के लिहाज से। ऐसे में किसानों का क्या रुख है? क्या नहीं लगता कि यहाँ पे किसानों को थोड़ा नरम होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश की सिक्योरिटी का यहाँ पर सवाल उठता है? बिल्कुल, साफ तौर पर दिल्ली पुलिस इसीलिए कल लगातार इसी बात को बार बार दोहरा रही थी किसान संगठनों के साथ कि कहीं ना कहीं आप 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, आप वो हमें बताइए, कहां से कहां तक का रूट निकाला है आपने वो हमें बताइए, कितने ट्रैक्टर्स उसमें शामिल होंगे, कितने किसान शामिल होंगे वो हमें बताइए, क्योंकि बार बार कहने के बाद, बार बार दरखास्त करने के बाद किसान नहीं मान रहे हैं कि वो 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन है
उसको पोस्टपोन कर देंगे। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, यहां से कुछ ही दूरी पर दिल्ली पुलिस की बैठक होने वाली है। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद किसान मोर्चा के साथ, किसान संगठन के नेताओं के साथ, और उसमें एक बार फिर से यहां पर ये पूछने की कोशिश की जाएगी आखिर कि क्यों ये 26 जनवरी की जो रैली है उसको नहीं टाला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आईबी का भी अलर्ट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अलर्ट पर है। गणतंत्र दिवस एक ऐसा दिन होता है जहां पर विश्व के मीडिया की दिल्ली के ऊपर निगाहें होती हैं और वो नहीं चाहते कि शांति किसी भी तरीके से भंग हो, और इसी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की आज फिर से एक बार दरखास्त किसानों के साथ होगी। बिल्कुल ऐश्वर्य, जतिन और ललित, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज किसानों की एक बड़ी बैठक होने वाली है, बैठक होने वाली है जिसमें सरकार के प्रपोजल पर मंथन किया जाएगा, और अब सबकी नजर कल यानी कि 12वें दौर की होने वाली बैठक पर लगातार टिकी हुई है। बहरहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे बंगाल में दिनों कैसे सियासी घमासान मचा हुआ है, बने रहिएगा।